पब्लिक, क्या हाल है आप सबका? आज हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा फनी चीज के बारे में, जिन्हें देखने के बाद हंसते हंसते आपके फेफड़ों से खून निकल आएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया के बारे में। हाँ, ये वही मीडिया वाले हैं जो इंसानों के साथ साथ भैंसों की भी इंटरव्यू लेते हैं। आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? It was at this moment he knew. He fucked up. हाँ, ये वही मीडिया वाले हैं जो रात में चाटी हुई चीज का मजा सुबह तक नहीं भूलते। 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लंद में कत्ल होने के फारूक के लंद में, जी हाँ, ये वही मीडिया वाले हैं जो रिपोर्टिंग करते करते बच्चों के साथ हाथापाई में उतर आते हैं। उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है जिसमें MQM है, तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PPI। बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं। इस हवाले से हम इस इन इलाके के रहायशों से पता करते हैं। ये यही होता है जब कैमरा नाम की टेक्नोलॉजी को कोई अपने जीवन में पहली बार देखता है। ये मुर्दा इंसान पहले 3 सेकंड तक तो ठीक था, फिर ना जाने इसके गांड में कौन सा कीड़ा घुस गया जिसके चलते ये ऐसी हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने का प्रोग्राम दिया है। कैमरामैन शहबाज रशीद के साथ नजीब भट्टी, एयरवे न्यूज, लाहौर। अब यार ये क्या हरकत है? बच्चा है यार, चला गया कैमरा के सामने, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसे थप्पड़ी मार दोगे। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? ताकि वो भी चाइना वालों को बेच के खा गए। और यार शक्ल देख रहे हो लौंडे की? नहीं यार माना, जो काम ये करते हैं उसके लिए थोड़ा सीरियस होना तो बनता है, लेकिन ऐसी शक्ल बनाने का क्या मतलब है? जी खैबर पख्तून खान और रावलपिंडी से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला। 1 सेकंड, ये तो वही चूतिया है ना जो भैंसों के इंटरव्यू लेता है। आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? हाँ, ये वही है। ये साला कभी काम की न्यूज छापता भी है कि नहीं? कभी साला भैंसों के साथ बकचोदी पेलता है और कभी बारिश के साथ। आखिर किस लेवल की बकचोदी है ये? लाहौर भी पहुँच गया है। आज बारिश शुरू होने से पहले लाहौर की फजाओं में काली घनघोर घटाएं छा गई, तेज हवाओं में परिंदों ने झूमना शुरू कर दिया। ये जो इतने भारी भरकम लाइनें बोल रहा है, इसे लिखवाने के लिए भाई साहब को 2 घंटे तक किसी के टट्टे चूसने पड़े हैं, क्योंकि जैसी इसकी शक्ल है जिसे देख के तो कोई बच्चा भी बोल देगा ये लाइनें लिखना इसकी औकात की नहीं है। सही पकड़े हैं। अरे बंदर और बंदर के बच्चे को नचाकर अपने लिए 2 वक्त की रोजी कमाते हैं। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर ये बंदर अपनी परफॉर्मेंस ना दे तो फिर इनके लिए रोजी कमाना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्टिंग लेवल 1,140। आप मदारियों की कहानी सबको दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको दिल से रिस्पेक्ट। लेकिन ये बातें अगर अपने सर पे बंदर को बिठा के उसकी लंड चूसते हुए ना बोलते तो भी हमें बहुत अच्छे से ही समझ में आता। इसके लिए ये चुदाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। समझेगी नहीं समझे की लू एक चमाक। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद है और शहर भर में स्याह झंडे और रंड का बच्चा देख के तीसरी फेल लौंडे को अगर जर्नलिज्म का लाइसेंस दे दिया जाए तो ऐसे रिजल्ट्स मिलना नॉर्मल है। नहीं यार शक्ल देखो इसकी, ऐसे शक्ल दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी इसकी शरीर की बनावट को देख के इसकी घटिया थूत की हम अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी शक्ल वालों को ना सुअर बनने की भी औकात नहीं है, लेकिन भैया जर्नलिस्ट बन के बैठे है। कराची में कराची से लोग ईद मनाने अपनों में के लिए जा रहे हैं। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूने मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन इस्माइल, कराची से लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी अभी आपने जो कुत्ते की गांड जैसी शक्ल देखी, महापुरुष पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर रिपोर्टर है और इन भाई साहब को 15 सेकंड की एक न्यूज क्लिप बनाने के लिए 15 दिन से भी ज्यादा समय लगता है। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूने मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चाल नवाब, इंडस न्यूज, कराची। बस ये 2 लाइनें बोलने के लिए भोसड़ी वाले को पूरा दिन लग गया। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। बोलो वो पागल है, बोलो वो पागल है। नहीं बोलो वो पागल नहीं, बोलो वो पागल है। वो पागल नहीं। हाँ पागल है वो। उसका दिमाग सटका हुआ है। बोलो सटके हुए लेके जा मुझे। सटके हुए मुझे लेके जा। डांट के बोलो, डांट के बोलो। सटके हुए भड़वा। नहीं ये नहीं, ये नहीं। डांट के बोलो, डांट के बोलो। सटके हुए भड़वा। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं।
तो यार आज की इस बकचोदी को यहीं पे खत्म करते हैं। जाने से पहले ना यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।